काफी हमें एनर्जी देखने को मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में आप देखेंगे, तो परंतु ही कैसा रहा एक्सपीरियंस विद बचता रहे। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि आप लाइफ में जितना थोड़ा ग्रो करते रहते हैं उतना आप रिवर्स एज जाते रहते हैं, तो आई गेस रिवर्स एज जाने के लिए मेरा पहला स्टेप था, इतना यंग इतना फ्रेश और इतना यू नो एक हैप्पी सॉन्ग। और जब ओमकार ने मुझे अप्रोच किया था तो डायरेक्टर जो है सॉन्ग के हमारे एंड सो ही नैरेटेड मेरा होल सॉन्ग कि ऐसा विजुअल रहेगा, ऐसे हम देखेंगे, ऐसा सब होने वाला है। I was like कि it's looking really nice. It's मतलब मुझे सुन के बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है, लेट्स सी इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। बट व्हेन आई सॉ द एनर्जी ऑफ द टीम, आई मीन आई वाज लाइक कि आई डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस, दे आर जस्ट अमेजिंग एट देयर वर्क, यू नो, बी इट कॉस्ट्यूम, बी इट द मेकअप, बी इट द कैमरा वर्क, बी इट द डायरेक्शन एंड यू नो the way the complete team was there in, involved in each and every second only for the song, I guess wo result abhi aapne yahan pe diya jab song aaya yahan pe and सॉन्ग के ना अपना एक मज़ा है, जैसे आप अगर वैरायटी में अभी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रैप बीट्स वाले या फिर यू नो बहुत ज़्यादा थिरकने वाले या फिर क्लासिकल या फिर मिक्स्ड या फिर पंजाबी या फिर हर हर वैरायटी ऑफ सॉन्ग है। सो आई फील दिस सॉन्ग हैज़ अ डिफरेंट वाइब, इसका म्यूजिक अलग है, इसके बोल अलग है और सबसे बड़ी बात जो है कि वो इसमें एक एक बहुत डायरेक्टली एक मैसेज है जो आई गेस हर जो व्यूअर है वो देखने के बाद उसको समझेगा एंड just vicious luck yaar, what time baad kuch work open hua hai and we have you know put in like the best to best effort in the song and I'm hoping and I'm requesting that people should love the song and they'll enjoy and wo bhi hamari taraf bajte rahe, thank you and yeah I would yeah please body ko dekhkar aisa lag raha hai ki koi bade celebrating ko aap tab competition dene jaane wale Bollywood ke, to kya kehna chahoge kaun se celebrity ko aap tab de rahe ho, aisa lag raha hai Salman John तो सबसे पहली बात तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए और उन लोगों ने जो ट्रेंड सेट किए हैं उसको अचीव करना और वहाँ तक पहुँचना ही इज इटसेल्फ अ विन, यू नो कंपीटिंग इज अ वर्ड विच डजंट एग्जिस्ट एंड आई एम जस्ट यू नो पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ टू द ऑडियंस कि मैं अगर इट्स बीन 15 इयर्स आई एम वर्किंग आउट तो मुझे वो कितना पसंद है और वो पैशन मेरा अगर प्रोफेशन में हेल्प कर रहा है तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती और अच्छा लगता है जब यू नो एक 15-20 ईयर ओल्ड जनरेशन में टेल्स यू एंड मैसेज यू कि यू नो नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑफ अ सीन योर मैसेज वर्कआउट वीडियोज एंड एवरीथिंग, सो अच्छा लगता है, मुझे किसको नहीं अच्छा लगता। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ओवरऑल बहुत कलरफुल था, इनफैक्ट द कॉस्ट्यूम वॉज वेरी नाइस एंड लिरिक्स तो आपने सुनी है जैसे एंड म्यूजिक की बीट जो थी वो बहुत ही पेपी हैं, बहुत अच्छी हैं एंड द होल सॉन्ग इज इट्स लाइक कम्प्लीट मील, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई फ्लेवर कम देखने को मिलेगा, यू हैव एवरी सॉन्ग एवरी फ्लेवर इन द सॉन्ग। Will you find the perfect showreel for you? Of course, not only for me, for the whole team. Like if you look at the everyone, like all the girls and Shunal ma'am, you know, they were like fantastic in the song. They were looking the best they can look in the life, you know. And everybody put in their extra hard effort because I know I was there. I was observing everyone that how you know we're rushing from one location to another and everybody's cooperating. And you know, it was like a wonderful team effort, I believe. And I guess team effort always works. So fingers crossed that we'll get the same positive reply from the audience. So sir, public se milne wale response ke liye aap kitna excited hain? Main bahut zyada excited hu yaar. Main apni excitement yahan pe abhi aise pagal song chalu hone the fir dekh. Then your film also did well. What do you want to say? And people love your Marathi also. You learned Marathi also. What do you want to say that? No, I just have one thing to say that I guess I am the chosen one. It's been all of my life I've been working hard, never thought that I'll be a part of films ever, and now I'm a part of Marathi fraternity and I guess yeah, so I guess I'm the chosen one, I feel, and I'm just working hard and it's just coming my way. Also respected by the Marathi, they love the Marathi way. Haan bhi Marathi maan sir, matlab yahan itne saalon se rehne ke baad aur ab aisi film hai jahan pe meri language wo nahi hai but fir bhi mujhe log usi language ke liye pyar kar rahe hain, to I guess ye bahut badi opportunity bhi hai aur ek bada bahut bada aashirwad hai I guess.
तो आई गेस मैं चाहूंगा कि लोग ऐसे ही पसंद करते रहे। ऑफकोर्स अब तो धमाके का टाइम है, अब तो ये बस चिंगारी लग चुकी है बजते रहे के नाम से, और अब ये चिंगारी उठने वाली नहीं है, और चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बिकॉज एक बड़े गैप के बाद सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं, और हर कोई काम जो करना चाह रहे इतने टाइम से, अब वो उनकी अपॉर्चुनिटीज और खुल गई, और इतने टाइम में डिजिटल वर्ल्ड ने जितना ज़्यादा काम लोगों को दिया है, भले ही वो घर पर दे रहे वर्क फ्रॉम होम और एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, सो आई गेस अभी अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंड होंगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, क्रिएटिव लेवल पे बहुत ओपन होगा, सो आई एम जस्ट होपिंग बेस्ट फॉर एवरीथिंग। व्हाट्स इन द पाइपलाइन, बचता रहेगा, लिखता रहे के लिए क्या? लिखता रहे के लिए पूरी मेहनत है, और एक फिल्म मैंने एक आगरी जो लैंग्वेज है मराठी में उसके ऊपर एक की है, उसका टीजर बाहर आ चुका है जिसका नाम है बाबू, और बहुत ही एक अलग डिफरेंट यूनिक बुक है उसमें मेरा, आई गेस उसके टाइम पे उसकी बात करते हैं, दिस इज द फिल्म विच इज इन द बैक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm very very excited and actually thrilled to see my product here today, like, and the product has come out very beautiful, all thanks to Ankit, itna energy dala hai usme ke hame bhi lag raha tha ki iske sath competition mein hum bhi iske jitna force mein, we will also give all steps and dance, and I remember one thing, hum log practice kar rahe the hamara signature step one day prior to shoot, and we were all practicing and Ankit ghoom raha hai wahan pe, to hum girls soche are hum itna mehnat kare isko aata hai kya ye sab kuch, so we told Ankit you don't want to practice, so he just said like this, and next day when actual shoot hua and we saw the fluency and the force and Ankit ka jo bhi style tha, we were like hum itna practice karke bhi we are not so perfect, so he was that good in the video, actually he was really nice। बिल्कुल, मैं बचता रहो के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसा है कि अपन असं म्हणतो की जेवल्यानंतर ताकत येते, मला वाटतं हे गाणं पाहिल्यानंतर प्रत्येकाला ताकत आणि अंकितला पाहिल्यानंतर मला काही असं वाटलं की मी का याच्यासारखं असू नये, माझं आता वय खूप आहे, परंतु मी माझ्या लहानपणात थोडा वेळ गेलो आणि असं 2 मिनिटासाठी असं कुठेतरी इमॅजिन केलं की मी असा असतो, तर आपण यंग जनरेशनसाठी फ्युचरसाठी आपण एक लोकांचे एनर्जिक असे हिरो आहात, आणि जसं मगाशी एकाने विचारलं की हिंदीतल्या एका सुपरस्टारला आपण तफात का 100% आपण तफात, मला पहिल्यांदा त्याची आठवण आली, परंतु आपण प्रत्येकजण आपापल्या जागी श्रेष्ठ आहे, फ्युचरमध्ये आपण आमच्या दृष्टीने श्रेष्ठ आहात। उधर जो बस्तर रहा है वो लोग देखेंगे, लेकिन ये इस इनकी बजने से हमारा फायदा है, यंग जनरेशन का फायदा है, यंग जनरेशन के लिए ये गाइड है। I want actually ये जो बस्तर है प्रोडक्ट बना, इसमें मैंने गाना लिखा, गाने को सजाया संवारा अमोल घाटे सर ने, जिसका ऑडियो बनाया। I want my team अमोल घाटे सर here and my favorite director Umi कर माने, जिन्होंने हेलो, यस सो इट्स अ टीम वर्क व्हिच हैज ब्यूटीफुली मेड दिस प्रोडक्ट, इट्स अ टीम वर्क। यस सर, कैप्टन आप से आप बताएंगे? यस, पहले तो मुझे एकदम सांस लेने दी, तो मैं अपनी गाड़ी छोड़ के मैं मेट्रो पकड़ के आ गया यहाँ पे, मुझे बहुत लेट हो गया था, आई एम सो सॉरी मुझे लेट हो गया। तो बजतर ऑफ कोर्स, बट बजतर एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, मैम ने एक बहुत ही अच्छा गाना प्लान किया, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गाना लिखा,
और फिर अमोल जी ने उसे कंपोज किया, फिर मुझे पिच किया, मुझे गाना सुनते ही बहुत अच्छा लगा। एंड फिर गाने एक एक एलिमेंट जैसे गाने में ऐड होते गए, तो जैसे अंकित जी का नाम सामने आया, जैसे मैम ने, मैंने, हम दोनों ने मिलकर, पूरे प्रोडक्शन ने मिलकर अंकित जी के बारे में पूरे हमारे लुक कैसे जाएंगे ये सोचा, तो वी वर वेरी हैप्पी। और जैसे जब अंकित ज्वाइन हुए, ऑन बोर्ड आ गए, फिर तो चार चांद लगा दिए उन्होंने। यस, अंकित जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक तो मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है उनका, और मैं शुरुआत से चाहता था कि ऐसे ही कलाकार के साथ जुड़ना, कि जो बहुत अपना 100% मेरे हिंदी गाने के लिए दे। तो ये मेरा एक दूसरा हिंदी गाना है, पहला गाना मैंने जी म्यूजिक कंपनी के साथ किया, और इस गाने के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड था। एंड यस ऑफ कोर्स अंकित के साथ है, अंकित ने हैवान, महाभारत, नागिन जैसे बहुत ही अलग अलग किरदार निभाए, पावन खिन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म उन्होंने मराठी की हमें इंडस्ट्री के लिए दी है। तो ऐसे ऑफ कोर्स एक्टर के साथ काम करना कौन नहीं चाहता है, तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड, और मैं चाहूँगा और काम करें मैम, और प्रोड्यूस करें और। यस।